हेलो दोस्तों, मैं बीएल शर्मा और दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही प्यारा इंडिविजुअल हाउस दिखाने वाला हूँ और बहुत ही सही रेट में आपको ये मिलने वाला है। दोस्तों आज का जो इंडिविजुअल हाउस है वो है 4 बेडरूम का हाउस, फुल डुप्लेक्स है, डबल किचन है और स्टेयर्स बाहर से है, तो आप चाहें तो एक पोर्शन इसका आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो है MLK बिल्डर्स का, तो अगर आपको ये विला पसंद आता है, ये इंडिविजुअल हाउस पसंद आता है तो विजिट के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। इनके नंबर आपको स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। साथ में कालवा रोड पर आपका कोई भी बजट हो आप इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सभी बजट के प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे की डिटेल की। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये कालवा रोड पर गोविंदपुरा में है। गोविंदपुरा से यहाँ तक की दूरी सिर्फ 400 से 500 मीटर की है। ये आपको सोसाइटी में मिलता है, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट आपको 100-150 मीटर की दूरी पे मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको नियर बाई और भी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अराउंड 13-14 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी आपको 100-150 मीटर की दूरी पर मिल जाती है। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है, आसपास में बहुत अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं, ये 4 इंडिविजुअल हाउस है, रेडी टू शिफ्ट और रेडी फॉर सेल। आज जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो है ये वाला। फ्रंट एलिवेशन आपको इसके अंदर बहुत ही प्यारा मिलता है, ये देख सकते हैं आप। अगर बात करें इसके डायमेंशन की तो 18 का फ्रंट मिलता है और जो डेप्थ मिलती है वो मिलती है 50, 18x50 का है, 100 वर्गज का है। पश्चिम देखते हुए सभी के सभी सामने आपको 30 फुट रोड मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर अभी प्लॉटिंग नहीं हुई, बाकी आसपास का पूरा रेजिडेंशियल एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। और दोस्तों मैं बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर आपको बैक डेट का पट्टा मिलता है, ताकि जो लोन आपको मिलने वाला है वो आपको बहुत ही सही रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर और पूरा इसको देखते हैं पूरी डिटेल के साथ। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको 8x17 का बहुत ही अच्छे स्पेस में पोर्च का एरिया मिलता है, ये देखिए, जहाँ पे आपकी एक 4-व्हीलर आराम से आ जाती है। स्टेयर्स इसके अंदर बाहर से मिलती है, ये देख सकते हैं आप, ताकि एक पोर्शन आप अपना चाहे तो रेंट आउट कर सकते हैं। और फ्रंट साइड पर बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिलता है, ये देखिए, इधर रूम से भी आप एंटर हो सकते हैं और हॉल की साइड से भी आप एंटर हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे स्पेस में हॉल मिलता है। साइज़ की बात करते हैं तो 12x14 में आपको ये मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी देखने को मिलती है, ये देखिए, और LED लाइट भी आपको यहाँ पे मिलती है। हॉल में ही आपको यहाँ पर अटैच में मिलता है वॉशरूम, जो भी आपको बहुत ही अच्छे स्पेस में मिलता है। और दोस्तों इसके बराबर में ही आपको पहला बेडरूम मिलता है जो फ्रंट साइड में मिलता है, 9x14 की साइज में आपको ये मिलता है, ये देखिए। और इसके अंदर आपको यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब मिलती है और बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी देखने को मिलती है। फ्रंट साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको विंडो मिलती है, डोर मिलता है और ये फ्रंट से व्यू है। और दोस्तों हॉल में ही आप सामने देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस बना के दिया जा रहा है, इसको आप पूजा रूम के हिसाब से भी यूज ले सकते हैं, ये देखिए। और इधर आप चलते हैं तो यहाँ पे आपको वॉश बेसिन का स्पेस दिया गया है, ये देखिए, यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बराबर में ही आपको 6x10 का बहुत ही अच्छा मॉडुलर किचन बना के दिया जा रहा है, जिसके अंदर अपर और लोअर दोनों तरफ कैबिनेट की फैसिलिटी आपको मिल रही है, 2 फीट की टाइल लगा के दी जा रही है। और पीछे की तरफ आपको मिलता है दूसरा बेडरूम 11.5x18 की साइज में, बहुत अच्छा स्पेस है, ये देखिए दोस्तों। इसके अंदर आपको फुल लेंथ में वार्डरोब भी मिल रही है और बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग की डिजाइन भी आपको इसके अंदर दी जा रही है। और सभी रूम में आपको AC का पॉइंट मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो और डोर मिल रहा है और ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी मिल रहा है।
और यहाँ पे आप वॉशिंग एरिया भी अपना बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे जो सेम पोर्शन बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे स्पेस में सबसे पहले मिलता है हॉल 12x14 की साइज में, और बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन मिलती है एलईडी लाइट के साथ। स्पेस आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा स्पेस है, और हॉल में ही आपको यहाँ पे अटैच में मिलता है वॉशरूम, वो भी बहुत ही अच्छे स्पेस में आपको मिलता है, ये देखिए। और फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट साइड में मिलता है आपको तीसरा बेडरूम 9x14 की साइज में, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर आपको फुल लेंथ में वार्डरोब मिलती है, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन मिलती है, और फ्रंट साइड में आपको बड़ी विंडो और डोर मिलता है, और ये इसकी बालकोनी है दोस्तों, बहुत ही शांति का वातावरण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं आगे, और दोस्तों हॉल में आपको ये स्पेस बना के दिया जा रहा है, इसके अंदर आप चाहें तो पूजा रूम भी बना सकते हैं, और इधर देखते हैं तो वॉश बेसिन का स्पेस मिलता है आपको, और यहाँ पे आपको दोस्तों 6x10 की मॉड्यूलर किचन मिलती है, जिसमें आपको फ्रंट में विंडो मिलती है, और अपर और लोअर दोनों तरफ कैबिनेट की फैसिलिटी मिलती है, ये देख सकते हैं। और इसके बराबर में ही आपको फोर्थ नंबर का बेडरूम मिलता है 11x18 की साइज में, बहुत अच्छा स्पेस है दोस्तों, ये देखिए फुल लेंथ में वार्डरोब मिल रही है आपको, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी आपको मिलती है। पीछे की तरफ आपको डोर और विंडो मिलती है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों अगर बात करें इस इंडिविजुअल हाउस की रेट की, तो जो डिमांडेबल प्राइस है वो है 44 लाख रुपए की, नेगोशिएबल है, आप आएँ और विजिट करें। चलिए चलते हैं छत पे, और आसपास का जो एरिया है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों मैं छत पे आ गया हूँ, और ये सबसे पहले देखिए फ्रंट से व्यू, और ये साइड से व्यू है, और अब पीछे से भी व्यू दिखाते हैं कि कितना रेजिडेंशियल एरिया आपको यहाँ पर मिलता है, ये देखिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये इंडिविजुअल हाउस और ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप इस इंडिविजुअल हाउस की विजिट करना चाहते हैं तो आप ML के बिल्डर्स से बात कर सकते हैं, इनके नंबर आपको स्क्रीन पे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।